गुड मॉर्निंग डियर ऑल फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर से न्यू क्वेश्चन के साथ आया हूँ। बीएससी सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम जो कि हमारा 16 तारीख है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। और यदि आप के पास नोट्स नहीं है तो आप मेरे वीडियोस देखकर आप अपने सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करूँगा। आज मैं 3 थ्योरम, 1 स्टेटमेंट, 2 थ्योरम प्रूव करने जा रहा हूँ। तो मेरा पहला थ्योरम है, इफ आर इज यूनाइट फैक्टराइजेशन डोमेन, देन आर इज एक्स एक्स वन एक्स टू एक्स एन इज ऑल्सो यूनाइट फैक्टराइजेशन डोमेन। ये UFD शॉर्ट फॉर्म है यूनाइट फैक्टराइजेशन डोमेन का, ठीक है। इसका प्रूवमेंट हमारा है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन रहे, इफ आर इज यूनाइट फैक्टराइजेशन डोमेन देन आर इज ऑल्सो यूनाइट फैक्टराइजेशन डोमेन, ठीक है, आर एक्स। तो सबसे पहला हमको मानेंगे, सिंस आर इज गिवन टू द यूनाइट फैक्टराइजेशन डोमेन, हमारा आर जो है यूनाइट फैक्टराइजेशन डोमेन दिया हुआ है। उसके बाद वी सेल शो दैट द रिजल्ट बाय यूजिंग इंडक्शन, हम लोग इंडक्शन ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। हम लोग क्या करना है, वी सेल शो दैट द रिजल्ट बाय यूजिंग इंडक्शन ऑन द नंबर ऑन द वेरिएबल्स लेट, अब मानेंगे कि n इज इक्वल टू 1 सिंस r इज यूनाइट फैक्टराइजेशन डोमेन। तो n इज इक्वल टू r सिंस r इज यूनाइट फैक्टराइजेशन डोमेन, देन r जो होगा n के लिए तो आर एक्स भी ऑल्सो होगा n के लिए। तो लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 वेरिएबल, जो हमारा इंडक्शन थ्योरम है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन जो क्लास 11th में था उसके थ्रू प्रूव हो रहा है। पहले 1 के लिए लेंगे, फिर n प्लस 1 के लिए लेंगे, फिर n के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो 1 के लिए ले लिए, द लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 वेरिएबल, देयर फॉर r ये फंक्शन लिख दिए x1 x2 xn माइनस 1 इज यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन। तो अब फिर से मान लेंगे r इंटू xn इज ऑल्सो यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन, मतलब कि ये इसके अगला टर्म यदि होगा फैक्टराइजेशन डोमेन तो ये अगला टर्म होगा, और इसके साथ आपका ये फंक्शन टोटल लिख दीजिए इज ए यूनाइट फैक्टराइजेशन डोमेन। तो ये आपका थ्योरम जो था यहाँ पे वेरीफाई हो गया। इसके साथ आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, और अगला हमारा है प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ए वन ए एन एक्स टू द पावर एन बी पॉलिनोमियल, लेट एफ एक्स फंक्शन है उसको लिख लिए बी पॉलिनोमियल विथ ए नॉट, ये आपका एलिमेंट्स है फंक्शंस का, बिलोंग्स टू आई इंटीजर, इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जी सी डी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ जो फंक्शन हमारा है इज वन, ये सारा का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वन है, देन एफ एक्स इज कॉल्ड प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या है, जैसे आपका एग्जांपल दिया है 4 प्लस 5x प्लस 11x, यदि फंक्शन आपका लिया जाए यहाँ पे तो 4, 5 और 11 का कॉमन डिविजर क्या होगा, तो ये तीनों डिवाइड नहीं होगा, अलग अलग है, इसके कॉमन डिविजर 1 होगा, इसी को लिख दिए हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल बिकॉज जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इज 1। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर पूछे प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स तो लेट एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट ए वन ए टू एक्स ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू पावर एन बी ए पॉलिनोमियल विथ ए नॉट ए वन एक्स डॉट 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 ए एन बिलोंग्स टू इंटीजर इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ a not a one a n is 1 then f x is called primitive polynomials। example आपका ये है, उतार लीजिएगा। और बढ़ते हैं हमारे अगले theorem पे, the product of primitive polynomials is also primitive polynomials। यदि दो polynomials primitive है तो उसका product also primitive polynomials होगा। क्या है, let f x is equal to a not प्लस सी वन एक्स प्लस डॉट 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 ए एन एक्स टू पावर एन एंड जी एक्स, पहले टू पॉलिनोमियल्स मान लिए बी
टू प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स, ठीक है। उसके बाद क्या मानेंगे, नाउ एफ एक्स डॉट डी एक्स क्या बोला, प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट कर लिए, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। इफ पॉसिबल एफ एक्स एंड जी एक्स इज नॉट प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इज नॉट क्या है प्रिमिटिव, देयर फॉर ऑल द कोफिशियंट ऑफ एफ एक्स वुड बी डिविजिबल बाय सम इंटीजर ग्रेटर देन वन। यदि आपका माना गया है इफ पॉलिनोमियल पॉसिबल एफ एक्स एंड जी एक्स, जो दो हम लोग फंक्शन दिया हुआ है, इज नॉट प्रिमिटिव, ये दोनों प्रिमिटिव नहीं है, देयरफॉर ऑल द कोफिशियंट ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, जो हम लोग सारा कोफिशियंट होगा एफ एक्स एंड जी एक्स का, वो डिविजिबल होगा ग्रेटर देन वन कोई भी इंटीजर से, ठीक है। अगला आता है एंड हैम सम प्राइम नंबर पी, सिंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर बोथ प्रिमिटिव पी कैन नॉट बी डिवीज, क्या डिवाइड ईच एंड एवरी कोफिशियंट ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, जो हमारा है सिंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर बोथ प्रिमिटिव, दोनों प्रिमिटिव पी है, कैन जो प्रिमिटिव पी से डिवाइड नहीं होगा दोनों कोफिशियंट से, ठीक है। तो अगला हम लोग स्टेप है, लेट ए जे एंड बी के दो फंक्शन मानते हैं, ए जे एंड बी के बी द फर्स्ट कोफिशियंट ऑफ जी एक्स एंड एफ एक्स एंड जी एक्स। देखिए ए जे है एफ एक्स कोफिशियंट है और बी के है जी एक्स कोफिशियंट है रिस्पेक्टिवली, तो विच पी डज नॉट डिवाइड, पी जो हम लोग का है डिवाइड नहीं होता है, ये देखिए पहला डिवाइडेशन है पी बाय ए नॉट पी बाय ए वन डॉट 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 पी बाय ए जे माइनस वन, बट पी डज नॉट डिवाइड ए जे, ये हमारा है पी डज नॉट डिवाइड ए जे। एंड अगला हमारा सेम है पी डज नॉट डिवाइड बी के, समझ गए होंगे। इन एफ एक्स एंड जी एक्स द कोफिशियंट ऑफ क्या है के जे जे के प्लस, ये लिखा हुआ है, और अगला स्टेप हम लिख दे रहे हैं आपका, ठीक है, ये एक्स हमारा एक्स टू पावर जे प्लस के, और इसको लिखने के लिए हमको ये ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, बाय चॉइस ऑफ बी के, बाय चॉइस ऑफ बी के, ठीक है। वी हैव क्या है पी बाय ए जे प्लस वन बी के माइनस वन प्लस ए जे प्लस के बी नॉट, ठीक है। हम लोग बाय चॉइस ऑफ बी के चॉइस से ये हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो अगला क्या होगा, बाय चॉइस ऑफ पी बाय चॉइस ऑफ पी इट डिवाइड ऑल कोफिशियंट All coefficient of fx and gx, fx and gx, ठीक है। That is p must divide a j b k, ठीक है। Since p is a prime number, प्राइम नंबर आइदर पी बाय ए जे एंड पी बाय बी के विच इज कंट्राडिक्शन आवर
सपोजिशन इज रॉन्ग एंड थ्योरम इज ट्रू. तो ये हमारा यहां पे प्रूव्ड हो गया. तो ध्यान से देखिए मित्रों, ये आपका क्या था, पहले थ्योरम मान लिए, ये वाला है एफ एक्स जी एक्स, ये कर लिए. अब इफ पॉसिबल इज नॉट प्रिमिटिव, पहले हम लोग मान लें नॉट प्रिमिटिव, तो ये किए तो हमारा प्रिमिटिव आ गया. ठीक है, प्रिमिटिव आ गया, जो हमारा कंट्राडिक्शन हो गया, मतलब थ्योरम ही सही है और हमारा क्या है जो हम लोग माने हैं वो गलत है. सपोज हम लोग जो किए हैं वो रॉन्ग है, तो इसके कारण हमारा थ्योरम ट्रू है. तो ये हमारा ट्रू रहेगा. द प्रोडक्ट ऑफ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स इज ऑल्सो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स. और इसके साथ आज के क्लास में यही फिनिश करता हूँ. और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, डेली वीडियोस सेमेस्टर सिक्स के और एक्स्ट्रा नॉलेज और इसके साथ कंप्यूटर नॉलेज के लिए. तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे.